हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में 3D में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोग स्ट्रीट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्ट्रीट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रीट लाइन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने उसमें देखा था कि स्ट्रीट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। एनी लाइन, अगर कोई भी लाइन एक पॉइंट से पास करती है तब लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। फिर दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन देखा था। और लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसी में आगे डिस्कस करेंगे, जनरली बात करेंगे कि अगर किसी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस देखनी हो तब हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले वाली सारी वीडियो देखा होगा और अब कॉन्सेप्ट को समझा होगा। हम लोग अब आज आगे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग आज आप लोग लगा लो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। Distance of a line, distance of a line from a given point, from a given point. अब हमें एक लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है। इसके बच्चे अगर देखोगे तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझ के एक साथ चलना है। आपको अगर देखोगे एक कौन सा फॉर्म देखना है, एक वेक्टर फॉर्म देखना है, एक कौन सा फॉर्म देखना है, एक वेक्टर फॉर्म देखना है। और अगर एक देखें तो एक कार्टेशियन फॉर्म देखना है, एक क्या देखना है, कार्टेशियन फॉर्म देखना है। अगर देखो एक वेक्टर फॉर्म देखना है और एक हमें क्या देखना है, कार्टेशियन फॉर्म देखना है, ठीक है। हम अगर यहाँ से वेक्टर फॉर्मेट के बात को समझने की कोशिश करें कि वेक्टर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म को समझें तो हमें यहाँ से दिमाग बैठा के चलना है। मेरे पास अगर मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास लाइन है और ये एक पॉइंट P है, ठीक है, ये P पॉइंट है। इसको अगर मैं मान लूँ कितना है, अल्फा वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ अल्फा वेक्टर है। और इस लाइन का इक्वेशन अगर मैं आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लामडा बी वैक्टर हमारा बना है, ठीक है। तो हमें इससे डिस्टेंस देखनी है, इससे क्या करनी है, डिस्टेंस हमें देखनी है, ठीक है, हमें इससे क्या करनी है, डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी, पहले बात को समझना। सबसे पहली बात ये समझ के चलना, वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वो हमारे पास कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में इसी बात को समझने की कोशिश करोगे तो कार्टेशियन फॉर्मेट में हमारा क्या होगा, मेरे पास ये पॉइंट P होगा, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 होगा। और लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में आपने पढ़ा है x-x1/a1=y-y1/b1=z-z1/c1, यही होता है। यहाँ से आप अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस P पॉइंट से इस पर हमें क्या देखनी होगी, डिस्टेंस देखनी होगी, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ से समझ के चलना है, इस फॉर्मेट से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब कैसे डिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इन बातों को हम लोग समझते हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो कैसे डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा, और कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर देखें तो कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये बात हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहली बात किसकी समझ के चलनी है कि वेक्टर फॉर्मेट में हमें डिस्टेंस का कैलकुलेशन किस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले एक एक करके चीज़ों को, इसके पहले आप लोग समझे होंगे कि जनरली कोई भी लाइन हमें दे रखी है, ठीक है, तो उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन लाइन का पता चल जाएगा तो आसानी से आप उसकी डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम पहले बात को
समझेंगे। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं मेरे पास ये L पॉइंट नाम दे दे रहा हूं, क्या नाम दे दे रहा हूं, L पॉइंट नाम दे दे रहा हूं, तो सबसे पहली बात समझो ये कौन से डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस हमें एक एक करके समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम देखें सबसे पहले बात को ध्यान से समझना, तो सबसे पहली बात अगर मैं इस पी एल वैक्टर को कैलकुलेट करूँ कि पी एल वैक्टर क्या होगा, मैं मान लेता हूँ ये एल पॉइंट है और एल वैक्टर को मैं क्या नाम दे दे रहा हूँ, आर वैक्टर नाम दे दे रहा हूँ। तो मेरे पास ये पी एल वैक्टर कितना बनेगा अगर यहाँ से देखें, तो हम जनरली पी एल वैक्टर को अगर समझेंगे तो पी एल वैक्टर यहाँ से कितना बनेगा, अगर पी एल वैक्टर देखेंगे तो ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर और माइनस का कितना हो गया अल्फा वैक्टर, माइनस का कितना होगा अल्फा वैक्टर। तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ से इस बी वैक्टर जनरली इसके पैरेलल होगा, बी वैक्टर हमारा इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या पी एल वैक्टर परपेंडिकुलर होगा हमारे पास बी वैक्टर के, अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप तो ये बात जानते हो पी एल वैक्टर और बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ से ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर माइनस अल्फा वैक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, जीरो बनेगा, यही बनेगा। अब यहाँ से अगर हम बात को समझें कार्टेशियन फॉर्मेट में, हम लोग बात को अभी अलग से देखते हैं, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें ये कितना बन जाएगा, यहां से अल्फा वेक्टर की वैल्यू अगर आप समझोगे तो अल्फा वेक्टर यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू देखो तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया अल्फा वेक्टर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन कितना बनेगा, बी वेक्टर, यही बनेगा, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन कितना बनेगा, बी वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब आपको लैम्डा अगर देखोगे तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा बच्चे, यहां से आपको पी एल वैक्टर पता चल जाएगा, क्या बनेगा, पी एल वैक्टर आपको पता चल जाएगा। पी एल वैक्टर अगर यहां से आप समझेंगे तो पी एल वैक्टर कितना होगा, ए वैक्टर प्लस यहाँ पे कितना लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, अल्फा वैक्टर माइनस ए वैक्टर, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। यह हमारे पास कितना मिला था अगर देखें तो ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस अल्फा वैक्टर और डॉट बी वैक्टर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। इस बी वैक्टर को अंदर भेजेंगे तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर और माइनस अल्फा वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से बी वैक्टर लैम्डा की वैल्यू अगर देखेंगे तो अल्फा वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अब मॉड ऑफ बी वैक्टर का स्क्वायर, ये लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब लैम्डा की वैल्यू आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में उठा के पुट करोगे, तो पी एल वैक्टर इक्वल टू कितना है, लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे उठा के रखोगे तो हमें कितना हो गया, अल्फा वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन कितना हो गया, मॉड ऑफ बी वैक्टर का स्क्वायर और कितना हो गया, बी वैक्टर, ठीक है, और कितना हो गया, यहाँ से अगर समझें, अगर हम देखें इसे तो माइनस का अल्फा वेक्टर, ये हमें बनेगा। तो यहाँ से अब इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड ही हमें क्या मिलेगा, जनरली मॉड ऑफ पी एल वैक्टर अगर जो निकाल लोगे, यही क्या मिल जाती है बच्चे, उस पॉइंट से जनरली लाइन की डिस्टेंस मिल जाती है। ये पूरा का पूरा इसका क्या होता है, जनरल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इसके जनरल कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलो अब बात हम लोग जनरली इसी फॉर्मेट में और समझते हैं, हम कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में समझते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म को देखें कि कार्टेशियन फॉर्म हमारा क्या बनेगा, तो यहां से ध्यान से समझना। अब अगर मान लो मेरे पास ये लाइन है और मान लेते हैं मेरे पास ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन ले लें, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं ए कॉमा ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन ले लो, ठीक है। और अगर मैं देखूं यहां से मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, यही होगा।
अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा बच्चे। अब मैं इसे कोई जनरल पॉइंट मान लेता हूं, क्या है एल है, तो एल पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो मैं मान लेता हूं ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहां से एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखोगे, मेरी बात को समझ के चलना, अभी इस लाइन का डीआरएस क्या होगा, डीआरएस अगर प्रोपोर्शनल होगा तो ए कॉमा बी कॉमा सी के प्रोपोर्शनल होगा। तो मुझे ये बताओ इस एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए लैम्डा प्लस एक्स वन कॉमा बी लैम्डा प्लस वाई वन कॉमा सी लैम्डा प्लस जेड वन, यही बनेगा, बनेगा कि नहीं, ए लैम्डा प्लस एक्स वन बी लैम्डा प्लस वाई वन सी लैम्डा प्लस जेड वन, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात को आगे समझें, अगर इस फॉर्मेट से बात को आगे ले जाएं, मेरी बात को यहां ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां से अब अगर हम देखें थोड़ा सा, अब यहां से बात को समझें तो हमें पीएल अगर देखें तो हमें डीआरएस ऑफ पीएल कितना होगा, डीआरएस ऑफ पीएल कितना मिलेगा, अगर हम पीएल का डीआरएस देखें तो डीआरएस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां से इस एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया है, इस एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे पता चल गया है, तो डीआरएस अगर हम देखें यहां से तो डीआरएस पीएल का कितना होगा, हमें यहां से अगर देखें तो ए लैम्डा प्लस एक्स वन माइनस ए वन, ठीक है, कॉमा बी लैम्डा प्लस वाई वन माइनस बी वन कॉमा सी लैम्डा प्लस जेड वन माइनस सी वन, यही बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो यहां से डीआरएस हमें पीएल का पता चल गया। मुझे ये बताओ क्या पीएल अगर देखें तो परपेंडिकुलर है, पीएल हमारे पास अगर देखें तो पीएल क्या है, पीएल हमारे पास परपेंडिकुलर है लाइन, इसे मैं मान लेता हूं कोई लाइन ए बी नाम दे दो, क्या नाम दे दे रहा हूं, ए बी, तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ क्या करेस्पॉन्डिंग डीआरएस का प्रोडक्ट जनरली क्या होता है बच्चे, करेस्पॉन्डिंग डीआरएस का प्रोडक्ट जनरली अगर आप देखोगे तो करेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी उनका प्रोडक्ट का सम जीरो के इक्वल होता है। तो इसका डीआरएस ए बी सी है तो कितना हो गया है, ए इंटू ए लैमडा प्लस एक्स वन माइनस ए वन और प्लस बी इंटू बी लैमडा प्लस वाई वन माइनस बी वन और प्लस सी इंटू सी लैम्डा प्लस जेड वन माइनस सी वन इक्वल टू कितना बनेगा, जीरो, ये बन जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको अंदर भेज दें, इसको अंदर भेज दें तो ए स्क्वायर लैम्डा प्लस ए एक्स वन माइनस ए ए वन प्लस बी स्क्वायर लैम्डा प्लस बी वाई वन और माइनस बी बी वन और प्लस सी स्क्वायर लैम्डा और प्लस सी जेड वन माइनस सी सी वन इक्वल टू जीरो, यही बनेगा बच्चे। अब बात को आगे थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना, अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां से अब अगर हम देखें तो हमें ये मिल गया, यहां से आपको किसकी वैल्यू देखनी है, लैम्डा की वैल्यू देखनी है, लैम्डा की अगर वैल्यू देखनी है तो इन सबको एक तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये कितना हो गया लैम्डा, यहां से अगर हम सबको राइट हैंड साइड भेज दें तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, थोड़ा सा यहां सबको अगर हम राइट हैंड साइड भेज दें ए ए वन प्लस बी बी वन और प्लस सी सी वन, ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो माइनस कितना हो गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी जेड वन, यही बनेगा। अब समझो बात को, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ए वन ए ए वन प्लस बी बी वन और प्लस सी सी वन माइनस, ठीक है, यहां से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी जेड वन, ये बनेगा अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, अब आप लैम्डा की वैल्यू को क्या करोगे,
बात को समझो, यहां से लैम्डा की वैल्यू को आप यहां पे उठा के रखोगे, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू ये मिल गई, इस डीआरएस में आप क्या करोगे, जो आपने निकाला है यहां पे लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दोगे, ये एल पॉइंट पता चल जाएगा, और जो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पीएल हम लोग जो निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या होगा, जनरली ये पॉइंट पता चल जाएगा और ये पॉइंट पता चल गया। तो अब हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके जो पीएल हम लोग निकाल लेंगे, और यही पीएल हमारा क्या हो गया, इसकी क्या होगी, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये फॉर्मेट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। मेरी बात फिर ध्यान से समझ लेना, आप क्या करोगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में जब करोगे तो आप इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जनरल पॉइंट ले लोगे। आप अगर यहां से देखो तो फिर ध्यान से समझ के चीजों को चलना, यहां पे आप क्या करोगे, यहां से अगर देखेंगे तो आपको जनरल पॉइंट ले लेना है, ठीक है। जनरल पॉइंट ले लोगे, जनरल पॉइंट लेने के बाद आप काम क्या कर सकते हो, अगर आपने जनरल पॉइंट ले लिया तो जनरल पॉइंट लेने के बाद आप यहां पे लैम्डा की इसका डीआरएस निकाल लो। डीआरएस निकाल के आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा लोगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाने के बाद आप यहां से लैम्डा का कैलकुलेशन करोगे, और लैम्डा का कैलकुलेशन करने के बाद यहां से अगर देखोगे तो आप क्या करोगे, इसमें पॉइंट एल में रख दोगे। पॉइंट एल में रखने के बाद इस एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चलेगा, और ये जो पीएल मिलेगा यही क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्लियर है, इस फॉर्मेट से हम एक एक बातों को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसी फॉर्मेट से एक क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन इसके किस तरीके से हमको मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, तो इसका क्वेश्चन एक हम समझ लेते हैं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3 ऑन द लाइन एक्स प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन 3। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझना बच्चे कि किस तरीके से हमें करना है। देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या कह रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और क्या कह रहा है हमें, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। दो टर्म्स आपको समझना है, एक टर्म्स मिलता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और एक टर्म्स मिलता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। हम दोनों को समझते हैं। अगर हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को देखें, पहले मेरी बात को समझो, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं लाइन एल है, और कोई पॉइंट पी है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मुझे कितना दे रखा है, 0, 2, 3 है। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, इस पर मुझे कितना मिल रहा है, पी क्यू मिल रहा है, और इसकी वैल्यू अगर मैं नाम दे दूं, कितना नाम दे दूं, डी नाम दे दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है, पी क्यू। एक एक बात को अच्छे से समझते चलना बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मैंने मान लिया, पी क्यू। अब ध्यान से समझो, यहां से अगर देखें तो क्या हमें ये वैसे इस पॉइंट पी से डिस्टेंस देखें, तो एक डिस्टेंस तो होती नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। ये जो डिस्टेंस होती है ये कैसी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये कैसी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको मिलती है, ठीक है। तो यहां पे ये जो क्यू पॉइंट होता है, ये क्यू पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्यू पॉइंट जो कहलाता है, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो डी पॉइंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर। ये हमें क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर।
ये हमें क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, समझते चलो। तो यहां से अगर अब हम देखें, हमें अब क्वेश्चन को एक एक करके चीजों को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या क्या काम हमें करना है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइन को देखें तो लाइन का इक्वेशन हमें कितना दे रखा है, एक्स प्लस थ्री इच अपॉन फाइव इच्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इच्वल टू जेड प्लस फोर अपॉन थ्री, यही लाइन का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, चलो आप काम क्या करोगे, सबसे पहले आप लाइन पर जनरल पॉइंट देखोगे। ठीक है, लाइन पर अगर जनरल पॉइंट देखें तो जनरल पॉइंट हमें कितना बनेगा, अगर हम इसे लैम्डा के इक्वल कर लें, लैम्डा के इक्वल कर दें तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, क्या 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 4 बनेगा, यही क्यू का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहां से डीआरएस ऑफ पीक्यू अगर देखें तो डीआरएस ऑफ पीक्यू कितना होगा, डीआरएस ऑफ पीक्यू अगर देखेंगे तो पीक्यू का डीआरएस कितना बनेगा, 5 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 2 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 4 और माइनस 3। तो यहां से अगर देखें तो हमें कितना बनेगा, 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा और माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 7 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 7। ठीक है, अब आगे समझो, यही बनेगा बच्चे। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, डीआरएस निकाल लिया, पहले हमने क्या निकाल लिया, डीआरएस निकाल लिया। अब डीआरएस अगर निकाल लिया तो मुझे ये बताओ इस लाइन का डीआरएस कितना पता है, क्या इसका डीआरएस अगर देखें तो क्या 5 2 और 3 है, 5 कॉमा 2 कॉमा 3 इस लाइन का डीआरएस है कि नहीं। अगर इस लाइन का डीआरएस 5 कॉमा 2 कॉमा 3 है तो अब यहां से क्या हम एक बात को समझ सकते हैं कि अगर इस लाइन का, क्योंकि क्यू और एल लाइन परपेंडिकुलर है तो यहां से हम क्या करें, इनके करेस्पॉन्डिंग डीआरएस का अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो करेस्पॉन्डिंग डीआरएस के प्रोडक्ट का सम हमारा कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। चलो तो यहां से हमें एक बात पता है कि क्या पता है कि अगर देखें तो पीएल कितना हो गया बच्चे, पीक्यू परपेंडिकुलर टू एल है तो हम अगर देखेंगे तो हमें प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू कितना 5 और कितना, फिर अगर देखेंगे प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें तो 29 लैम्डा और प्लस 9 लैम्डा माइनस 17 और माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से बात को ध्यान से समझ के चलना, 29 लैम्डा और 9 लैम्डा कितना हो गया, 38 लैम्डा और कितना हो गया माइनस 8 और कितना हो गया 38 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमें कितना बना, लैम्डा की वैल्यू हमें 1 बना। तो यहां से अगर हम Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अब देखेंगे बच्चे, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे कितना बनेगा, लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो 5 माइनस 3 कॉमा कितना हो गया 2 प्लस 1 कॉमा कितना हो गया 3 माइनस 4। तो यहां से कितना हो गया 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 1 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 1, हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब समझते चलो, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या हो गया, पता चल गया। अगर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया तो यहां से अब मैं आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन आगे समझा रहा हूं। ठीक है, अगर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, एक मिनट काहे भाग रहा है भैया, हाँ, तो यहां से अगर देखें तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया तो हमें क्या बनेगा, अब PQ अगर देखेंगे तो हमें PQ कितना बनेगा, PQ कितना, P पॉइंट मुझे कितना पता है 0 कॉमा 2 कॉमा 3 और Q पॉइंट मैंने क्या निकाल लिया, Q पॉइंट हमने निकाल लिया भैया 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 1। अगर बाय चांस कैलकुलेशन में कहीं भूल चूक हो जाए तो उसे
आप सही कर लेना, क्योंकि आप जैसे मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मेरा प्रयास है कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। पी क्यू डिस्टेंस अगर देखेंगे तो कितना होगा, 2-0 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 3-2 का स्क्वायर और प्लस -1-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू अगर देखेंगे तो पी क्यू कितना बनेगा, 2 तो 4 और प्लस 1 और प्लस 16, तो कितना हो गया, √21। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू कितना मिल गया, √21। इस फॉर्मेट से, इस तरीके से हम एक बात को क्या करते हैं, समझते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन का एंजॉय किया होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और काफी इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको 3D को अच्छे से पकड़ के चलते हुए चलना है, कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट 3D का आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा भी कॉन्सेप्ट को मिस किया तो आपके एक भी क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, चलो एक हम और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको समझ के अच्छे से चलना होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i cap - j cap प्लस 5k cap टू द लाइन 11i cap r vector = 11i cap - 2j cap -8k cap प्लस लैम्डा 10i cap -4j cap -11k cap। ठीक है, also find the length of perpendicular। समझो, हर एक चीज को हमें अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। अभी इसके पहला वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको मैंने क्या कहा कि वो क्या किस फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है बच्चे, वेक्टर फॉर्म में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, चलो आपके पास कोई पॉइंट है, मैं मान लेता हूं पी है और इसका पोजिशन वैक्टर 2i cap - j cap +5k cap और मेरे पास कोई लाइन है, इस लाइन से क्या करनी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं मान लेता हूं क्या है मेरे पास, क्यू है। ठीक है, अगर यहां से इसका देखें तो ये लाइन मेरे पास इक्वेशन कितना है, r vector = 11i cap - 2j cap माइनस कितना हो गया, 8k cap। ठीक है, और प्लस लैम्डा 10i cap - 4j cap माइनस कितना हो गया, 11k cap माइनस 11k cap। ठीक है, 11k cap ये है। फिर मेरी बात को समझो ध्यान से, मैं इसे लाइन L नाम दे दे रहा हूं। आपको मैंने क्या कहा, यहां से आपको क्या निकालना होगा बच्चे, पहले पी क्यू वैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू वैक्टर निकालना है। ठीक है, आप इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वैक्टर मान ले लो, क्यू पॉइंट का पोजीशन वैक्टर आर वैक्टर ले लो। क्या ले लो, आर वैक्टर। तो मुझे ये बताओ, आर वैक्टर को थोड़ा सा आप सेट करके अगर यहां से लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 11 प्लस 10 लैमडा
आई कैप माइनस कितना हो गया, माइनस टू और प्लस फोर लैम्डा जे कैप और माइनस एट और प्लस माइनस एट और प्लस इलेवन लैम्डा के कैप, यही बनेगा बच्चे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहां से PQ वेक्टर क्या लिखोगे। अगर PQ वेक्टर देखें तो PQ वेक्टर क्या होगा, PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P, यही पढ़ा है आपने। तो यहां से अगर देखो तो यहां से कितना बनेगा, 11 प्लस 10 लैम्डा, 11 प्लस 10 लैम्डा और 2i कैप को इससे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं तो 2i कैप यही बनेगा। अब समझो यहां माइनस है, यहां माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का होगा। ठीक है, अगर देखेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं, चलो मैं लिख ही लेता हूं पीवी ऑफ क्यू, यही है। ठीक है, चलो पहले यहां से हम लिख लेते हैं 11 प्लस 10 लैम्डा आई कैप माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा जे कैप माइनस 8 प्लस 11 लैम्डा के कैप, ये हमें मिल गया। और यहां से कितना बनेगा, माइनस 2i कैप माइनस g कैप प्लस 5k कैप, यही बनेगा। बनेगा तो यहां से अगर देखें तो कितना हो गया, 11 प्लस 10 लैम्डा, ठीक है, माइनस 2i कैप और माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस जाएगा तो इसे प्लस बना देगा तो 1। ठीक है, तो इसे प्लस लिखता हूं 1 और ये माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा j कैप और कितना हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो यहां से कितना हो गया, माइनस कॉमन ले लिया अगर तो 5 प्लस 8 प्लस 11 लैम्डा के कैप, ये बनेगा। यहां से अगर देखें तो कितना हो गया बच्चे, 11 से 2 चला गया तो 9 प्लस 10 लैम्डा, 10 लैम्डा आई कैप प्लस कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप, ठीक है, और माइनस 8 5 कितना हो गया, 30 प्लस 11 लैम्डा के कैप, ये हमारा बनेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट से हम एक बात को समझते हैं। ठीक है, चलो आगे आप बढ़ते हैं। देखो भैया, तो हमें क्या मिल गया है, यहां से अगर देखोगे तो हमें PQ वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया, PQ वेक्टर आपको मिल गया, ये PQ वेक्टर हमें मिल गया 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप और प्लस आई, ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप माइनस 8 5 13 प्लस 11 लैम्डा के कैप। अब हमें यहां से क्या पता है बच्चे कि PQ वेक्टर, PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल, तो इसका मतलब क्या हो गया यहां से कि PQ वेक्टर डॉट, ठीक है, अब मेरी बात को समझना, डॉट अब यहां पे किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर हो, इसके डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो लैम्डा 10 आई कैप यहां से 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप इज इक्वल टू कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो मुझे PQ वेक्टर यहां से मैंने कितना निकाल लिया है, अगर आप देखोगे तो 9 प्लस 10 लैम्डा, 10 लैम्डा आई कैप और प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप और माइनस 13 प्लस 11 लैम्डा के कैप, के कैप और डॉट, यहां से कितना बनेगा, 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 11 के कैप इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ये बनेगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो कितना हो गया मेरे पास, 10 को प्रोडक्ट करा दिया तो 10 इंटू 9 प्लस 10 लैम्डा, ठीक है, कितना हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा और कितना हो गया, माइनस 11 और कितना, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 11 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, समझे। तो यहां से अगर देखेंगे तो 90 प्लस 100 लैम्डा और माइनस 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 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 16 लैम्डा प्लस 11 3 और 140 143 और प्लस 121 लैम्डा इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से अगर लिखें तो 121 लैम्डा और 16 लैम्डा 100 लैम्डा कितना बनेगा टोटल अगर देखेंगे तो 221 और 221 और 21 मतलब 237 लैम्डा और ये कितना हो गया हमारे पास 143 और 4 कितना हो गया 147 तो 147 माइनस का 147 माइनस 90 तो कितना बनेगा ये 7 और 3 और माइनस का 2 और 237 लैम्डा लैम्डा की वैल्यू माइनस का यहां से लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चे माइनस का 1 मिल गया ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1 मिल गया तो अब मुझे ये बताओ क्या पी क्यू वैक्टर आपको पता है। पी क्यू वैक्टर अगर आपको पता है तो पी क्यू वैक्टर आप क्या करोगे यहां से अगर देखोगे तो पी क्यू वैक्टर में आप क्या करोगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। पी क्यू वैक्टर हमें पता है तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 है हम पी क्यू वैक्टर में उठा के रखते हैं ठीक है। यहां से अगर देखें तो पी क्यू वैक्टर हमें कितना बनेगा अगर लैम्डा की वैल्यू हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू उठा के रखेंगे तो कितना बनेगा बच्चे 11 आई कैप सॉरी पी क्यू वैक्टर हमें बनेगा 9 माइनस 10 आई कैप और प्लस माइनस 1 माइनस तो प्लस 4 जे कैप माइनस 13 माइनस 11 के कैप यही बनेगा। तो यहां से अगर देखें तो माइनस का आई कैप और प्लस 3j कैप और कितना हो गया माइनस 13 2k कैप ये pq वेक्टर हमारा बना। तो यहां से अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो मॉड ऑफ pq वेक्टर कितना बनेगा बच्चे मॉड ऑफ pq वेक्टर 1 प्लस 9 प्लस 4 मतलब कितना हो गया अंडर रूट 14 अंडर रूट 14 यही हमारा pq क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको क्या पता है क्या आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर वेक्टर पता है। तो यहां पे अगर आप आर वेक्टर देखो तो आर वेक्टर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो उठा के वैल्यू रखो कितना बनेगा बच्चे 11 प्लस 10 लैम्डा तो 11 माइनस 10 आई कैप और माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा तो माइनस यहां पे कितना हो गया यहां पे अगर आप देखोगे तो 4 होगा 2 माइनस कितना हो गया यहां से अगर देखेंगे तो 4 जे कैप और माइनस 8 कितना हो गया 11 तो यहां से अगर हम देखें माइनस 8 और कितना हो गया 8 माइनस 1 तो माइनस 11 के कैप ठीक है। तो ये हमें बनेगा तो 11 से 10 गया कितना हो गया आई कैप माइनस माइनस 2 तो प्लस 2j कैप और माइनस माइनस 3 तो प्लस 3k कैप ये हमें क्या मिल गया बच्चे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्या बन गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये कहानी है कहीं पे भी आप अगर बाय चांस कैलकुलेशन हो तो देख लेना कॉन्सेप्ट सारे मैंने सिखा दिए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बच्चे आपको मिलेगा आप हर एक क्वेश्चन का फुट आप परपेंडिकुलर देख सकते हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ आप परपेंडिकुलर भी आप आसानी से समझ सकते हो ठीक है। तो मैंने आज इस पे जो डिस्कशन किया इस टॉपिक इस वीडियो पे मैंने आपको बताया बच्चे कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की अगर डिस्टेंस देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट आप परपेंडिकुलर किस तरीके से हमें मिलता है ये सारा कैलकुलेशन हमने आपको सिखा दिया ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने एक एक बातों को सीखा होगा बच्चे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं ठीक है। मैं उसे फिर से रिपीट करूंगा एक एक चीजों को आपको समझाते हुए चल रहा हूं हर चीज आपको ध्यान से अच्छे से समझ के चलना है ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो बच्चे पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ठीक है। अगर आप इसे अगर फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो जितना ज्यादा रीच पहुंचेगी उतना मेरे लिए बेटर है ठीक है। प्लीज अगर आपको और वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक भी करते चलें ठीक है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरली की दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी और दो एसक्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसी से हम लोग ये भी बात को समझेंगे कि कोई भी दो लाइन हमारी जनरली इंटरसेक्टिंग अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो वो पैरेलल कब होगी और एसक्यू लाइन कब होगी ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं फिर मिलते हैं ओके बाय टेक केयर।